दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा। क्या बात है, नारा लगाएंगे पाकिस्तान का, पाकिस्तान। चलो भाई चलते, हम एक ब्रेक हो गया, खत्म हो गया सेगमेंट। अभी तो शुरू हुआ। अच्छा अभी शुरू हुआ है, सॉरी सॉरी, ओके। खत्म हो गया। आज ये सारे बच्चे जो हैं, ये कोई नेवी का ड्रेस, कोई पठान ड्रेस, कोई पंजाबी, कोई पश्तो, कोई बलोची, ये सब क्यों आज, क्या है, क्या हो गया है सबको आज, क्यों इस तरह के कपड़े पहन कर आए भाई? आज पाकिस्तान डे है। नहीं नहीं, जवाब गलत है। पाकिस्तान तो 14 अगस्त को आजाद हुआ था, तो आज क्या है? आज पाकिस्तान 27 रमजान को आजाद हुआ था, इस्लामी तारीख। ओ यस, बिल्कुल ठीक है जवाब। 27 रमजान का दिन इतना मुबारक दिन है कि जिस दिन पाकिस्तान आजाद हुआ था। भाई अगर आज हमारे साथ सब लोग हैं, अगर आज शिराज भी होते ना हमारे साथ, मजा ही आया था। आप शिराज को मिस कर रहे हैं? खड़ो, पीछे तो देखो। अरे ख्वातीन और हज़रात, शिराज आ गए हमारे साथ गिलगित बल्तिस्तान से। शिराज, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वाह 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 वाह, अस्सलाम वालेकुम। आवाज बढ़ाइएगा जरा। कैसे हो, ठीक हो? वाह वाह, थोड़ी सी आप ठीक है, खैर खैरियत से हैं? ठीक है, खैर खैरियत से हैं। हाँ, वो भी शिराज वहां से गिलगित बल्तिस्तान से ना, सिग्नल्स कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। लेकिन आप आयशा, शिराज को सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम शिराज। ये शिराज कहाँ पे है? गिलगित में। गिलगित, गिलगित में क्यों है? उसको जाना था ना गिलगित। तो गिलगित क्यों जाना था शिराज को, क्या काम था शिराज को? शिराज को जाना था। शिराज का घर ही गिलगित में है ना, कितना प्यारा है। देखें पीछे पहाड़, माउंटेन्स, इतना अच्छा मौसम। एक दफा पहले शिराज के लिए तालियां बजा दें सब भाई। वाह वाह वाह, हम देखते हैं, कोशिश करते हैं कि शिराज के साथ सिग्नल हमारा सही से कनेक्ट हो जाए। तो शिराज, आपको शान ए रमजान याद आ रहा है? शिराज ये बहुत आ रहे हैं। हाँ आप भी हमें बहुत याद आ रहे हैं शिराज। मैंने आपको बुलाया था ना, आप यहाँ आओ आप, लेकिन क्यों नहीं आया? मैं आऊंगा, लेकिन अभी तो शान रमजान चल रहा है ना, मैं तो शान रमजान के बाद आ सकता हूँ ना, अभी तो शान रमजान चल रहा है ना, इसलिए शान रमजान में छुट्टी करो ना। छुट्टी कैसे करो, छुट्टी तो उबैद सर, जे सर, कोई नो छुट्टी, कोई छुट्टी नहीं भाई, ईद के बाद आऊंगा इंशाल्लाह कभी, ठीक है? और आपके अब्बू ठीक हैं? क्या कह रहे हैं? हाँ गुड। आपको पता है आज 27 रमजान है, आज पाकिस्तान का दिन है, आपको मालूम है? शिराज हमें वो तो सुना दो प्लीज प्लीज, वो जो है ना, वो खुदा की खास रहमत है, वो तो सुना दो थोड़ा सा। मैं सुना सुना सुना, आवाज वॉल्यूम बढ़ा दो। खुदा की खास रहमत है, बुजुर्गों की बशारत है, कहीं न दिलों की कुर्बानी, कहीं न दिलों की मेहनत है, ताबोन ही मोहब्बत ही मोहब्बत है, जबी तारीख ना, जबी तारीख ना, इस तारीख का नाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, बड़ा पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। शिराज, ये आयशा, आयशा आपसे कोई बात करना चाह रही है, क्या है जरा? शिराज की मैं वीडियोस देखती हूँ। हाँ अच्छा, ओके, आयशा आपकी वीडियो देखती है। और ये उमर, उमर कहाँ है भाई? शिराज का पहचाने नहीं जा रहे, इधर इधर इधर। शिराज आपका बेस्ट फ्रेंड उमर भी यहाँ पर है, शिराज को बोलना है कुछ? सलाम सलाम तो कर दो, सलाम कर दो, कर दो कर दो प्लीज। अरे प्लीज शिराज, आपको उमर कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। उमर के अलग ही मसाइल है, उमर कह रहे हैं दिल चाहता है इसको उतार दूं। भाई यहाँ सेगमेंट चल रहा है, वो कह रहा है दिल चाहता है इसको उतार दूं, उतारना है इसको नहीं। अरे वो गिलगित बल्तिस्तान से साथ है, पहले उसको तो बात कर लें, फिर सिंधी का गाना भी सुनते हैं, सिंधी का तराना भी सुनते हैं। तो शिराज आप आजकल क्या कर रहे हो वहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में? सुबह उठते हो फिर क्या करते हो?
क्या कह रहे हैं, थोड़ा नहीं आवाज समझ नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं, थोड़ी कम कर दो, स्कूल जाते हैं ओके। और अभी शायद सिग्नल फ्रीज हो गया और आपको मेरा नाम याद हो गया, स्कूल जा रहा है, स्कूल जा रहा है, ठीक है ठीक है। और आपको मेरा नाम याद हो गया, क्या नाम है, क्या नाम है मेरा, दोबारा बता दें, वसीम अली भाई। अरे सही हो गया मेरा नाम, शुक्र है। ये अरे शिराज आप, मैं वसीम भाई, वसीम भाई वो आप वजीर आजम हाउस गए थे, वहां पे मजा आया आपको, वो जो शहबाज शरीफ साहब के पास गए थे आप, वजीर आजम हाउस गए थे, मजा आया वहां पे, वो शहबाज अंकल के पास जब आप गए थे। चलो वो सिग्नल नहीं आया, ठीक है ओके ओके ओके। चलो मैं बहुत सारी तालियां बजा दे शिराज के लिए, वाह 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 वाह। हाँ जी भाई, आप एक गेस्ट को भूल गए थे। अरे मैं भी सुनाऊंगा अभी, ठहरो सही, सबकी सुनते हैं अभी। हाँ भाई, आप एक गेस्ट को भूल गए थे। एक गेस्ट को भूल गया ना, वो कौन है, मुस्कान। अरे भाई मुस्कान है, कनेक्ट से तो करें, मुस्कान से तो बात ही नहीं हो सकी भाई। तो खैर अभी हमारे पास आराम से बात करते, पहले जरा मैं इस बच्चे के दुख सुन लूं जो कह रहा है दिल चाहता है इसको उतार दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये क्या बने हुए, पता नहीं क्या बना, कुछ कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता क्या बने हो, मेरा ख्याल है कुछ बनो आप भी। हाँ हाँ, सबर सबर, जरा मैं पहन सकता हूँ ये वाले, ये पहना है मुझे, पहना है ओके। टोपी नहीं पहननी मुझे, ये देखो, ये अच्छा ही लग रही है मुझे जी। अच्छा ये जो आयशा जो आपने पहना है इसको क्या कहते हैं, इसको 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 क्या कहते हैं, इसको दुपट्टा कहते हैं, इसको दुपट्टा तो कहते हैं। अरे सबर, पहले मेरे सवाल का जवाब, अपनी बातें सुनानी खाली। इसको हम अदरक कहते हैं या अजरक कहते हैं, इसको कहते हैं हम, इसको कहते हैं, बताओ मैं। हाँ बताएं बताएं, सिंधी से, वो तो है लेकिन इसको कहते हैं अजरक, ये सिंध में लोग पहनते हैं, बहुत अच्छी लगती है। जितने हमारे सिंधी बहन भाई देख रहे हैं सबके लिए बहुत सारी तालियां बजा दे एक दफा भाई। मैं मुस्कान को दिखाएं, जी जरा रिकनेक्ट करें भाई, वो जरा मुस्कान से बात नहीं हो पाई, जरा कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। हाँ कोशिश करते हैं जरा, जी जी आप, हाँ मुस्कान तो नहीं आई पीपी, वो सिग्नल नहीं आया ना असल में, सिग्नल चला गया। अच्छा वैसे गिल गिल पाकिस्तान दिखाएं, गिल गिल पाकिस्तान दिखाएं, दिखाऊं या गा के सुनाऊं, अभी दिखाएं, अभी दिखाएं भाई, दिल दिल पाकिस्तान है आप लोगों के पास तो दिखा दें भाई, इसकी फरमाइश पूरी करें पहले। दिल दिल पाकिस्तान, हाँ हाँ दिल दिल पाकिस्तान है, बताओ प्लीज, को बहुत शौक हो रहा है, दिखाएं भाई दिखाएं, दिखाऊं, दिल दिल पाकिस्तान बोला ना आपने दिखाने को, तो क्या बोला फिर, गिलगित पाकिस्तान। अच्छा गिलगित पाकिस्तान, ओ गिल मैं ना दिल दिल पाकिस्तान, गिलगित उसमें मुस्कान है। अच्छा अच्छा, इसलिए गिलगित पाकिस्तान, जरा करते हैं रब्ता हो जाए जरा, तो फिर करते हैं, जी जी भाई आप बोले, आप ही बोले। मेरा वसीम भाई, मैं आपको एक सिंधी सॉन्ग सुनाती हूं, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अपनी गाड़ी दियो निकालो साथ में जाना तुझको बिठा लो, मछली पाला के लाओ तो जो से दो तरह के किनारे, मछली पाला के लाओ तो जो सिंधु धारा के किनारे। ये वो जलेबी वाला भी आपने सुना है ना, वाले सिंधी मेहमान ने वाले है जलेबी गोल गोल मेरा ने वाले सिंधी मेहमान ने वाले है सारे। जबरदस्त तालियां बजा दे, वाह 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 वाह। वो जलेबी वाली भी आपने सुनाई थी ना, अभी तक वही चल रहा है, टेप रिकॉर्डर लगी हुई है। हाँ वो जलेबी वाले अंकल जो है ना, वो कल आ रहे हैं हमारे प्रोग्राम में, जिन्होंने जलेबी बनाई है ना जी। वो कौन सी थी, क्या था, जलेबी पता नहीं गोल क्या था, हाँ बता दो। जलेबी जलेबी गोल 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 गोल, ना बर्फी ना रबड़ी ना ही रसगुल्ला, ना बर्फी ना रबड़ी ना आइसक्रीम हलवा, मेरे घर आना है जरूर आइए, जलेबी मुझको है पसंद जलेबी लाइए। कल आ रहे हैं जलेबी वाले अंकल आ रहे हैं भाई, बिलाल मकसूद साहब जिन्होंने बहुत काम किया है बच्चों के हवाले से, स्केट्स पपेट्स वगैरह बनाने के लिए, उनको हमने कल जहमत दी है, वो कल आएंगे शादी अंदर। बिलाल भाई हमें आपका इंतजार है, तो कल भी हमारे साथ जरूर रहेगा। जलेबी वाले अंकल के लिए तालियां बजा देंगे। हाँ और जलेबी वाली आंटी के लिए भी तालियां बजा देंगे। सही है ना, ठीक है।
मैंने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? कुछ गलत बोला मैंने? नहीं बोला, नहीं बोला ना गलत? ओके, फातिमा नहीं आई आज मेरा ख्याल है ना? मुस्कान भी नहीं आई। मुस्कान भी नहीं आई? हाँ, मुझे मुस्कान से थोड़ी सी बात करनी है। अच्छा, अच्छा, आ रही है कोई? आ रही है कोई? अरे आइए 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 आइए, फातिमा की एंट्री हो गई है। ओहो हो, इधर बैठे, इधर 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 बैठे। वाह 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 वाह, क्या हाल है गजाला जी? फातिमा। रक्षंदा? फातिमा। नौरीन? फातिमा। अमरीन? फातिमा। ये क्या ड्रेस है? ये कौन सा है ड्रेस? ये येलो कलर का। येलो कलर का तो सिंधी है, पंजाबी है, क्या है ये? मुझे पता नहीं है। अच्छा, लेकिन आप बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। ये लेट क्यों हो गई आज? नाश्ता करना था जी। नाश्ता कर। चलो भाई, बस मैं बोल करता हूँ, नाश्ता करना था। लेट कमर्स आर नॉट अलाउड। अब आपको वापस जाना पड़ेगा, आज तो मैं आपको नहीं बिठा सकता, सॉरी, आप लेट आएंगे। वापस जाएं? नहीं नहीं नहीं, वापस जाना, जाएं जाएं। अगर या तो ये जाएंगी, अगर ये नहीं जाएंगी तो प्रोग्राम बंद, प्रोग्राम ही नहीं होगा, खत्म। या तो ये जाएंगी या प्रोग्राम बंद हो जाएगा, बस। स्कूल में लेट आना नहीं आना अलाउड नहीं है। आप जा रही हैं या मैं क्लासरूम बंद कर दूं, बताएं? अच्छा, एक सरप्राइज दिखाऊं? पीछे तो देखो, दिखाएं ना, दिखाएं दिखाएं दिखाएं, क्या स्क्रीन पे कुछ आना? अरे कौन आ गया भाई? अस्सलाम वालेकुम मुस्कान। वालेकुम सलाम। हाँ अच्छा, मुस्कान की शायद कान। हाँ हाँ, शिराज। वालेकुम सलाम शिराज। ये मुस्कान ठीक है, खैरियत से है? जी ठीक है। वाह 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 भाई, ठीक है भाई। मुस्कान को, मुस्कान को बताएं कि हम सब उसको बहुत मिस करते हैं, बताएं मुस्कान को। मुस्कान चाल हो जाए, बहुत याद। वेरी नाइस भाई। चलो भाई शिराज, आप हम सबको दुआओं में याद रखना, आपको एडवांस में ईद मुबारक, एंड वी ऑल मिस यू। और आपको वहाँ वो शहबाज अंकल के पास मजा आया था जब आप वहाँ गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस, मजा आया आपको? कान में लगे, दोबारा बोले। दोबारा बोले मुस्कान। मैं कह रहा हूँ शहबाज अंकल के पास मजा आया था आपको जब आप वो प्राइम मिनिस्टर हाउस गए थे, जब वजीर आजम हाउस? ये बहुत मजा आया मुझे तो। जबरदस्त जबरदस्त। चलो भाई, बहुत सारी तालियां बजा दे दोनों के लिए, थैंक यू वेरी मच। हम एक ब्रेक लेते हैं, और बच्चों का जाहिर खुसूसी आज दिन है, पाकिस्तान का दिन है, तो हम ब्रेक के बाद इन्हीं बच्चों के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक के बाद आते हैं दोबारा, तालियां बजा दे दबा भाई, आ रहे हैं ब्रेक के बाद, आ रहे हैं। जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान। वाह 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 वाह, क्या बात है, सारे बच्चे मिलकर तालियां बजा देते हैं भाई, वाह वाह वाह। ये बताओ, ये दिल दिल पाकिस्तान क्यों गा रहे हैं, आज क्या है? आज योम है पाकिस्तान। अरे ये पता है, वाह वाह वाह, योम आजादी। गलत है आपका जवाब, क्योंकि योम आजादी तो 14 अगस्त को होती है, आज तो 14 अगस्त नहीं है। अब बताओ आज क्यों मना रहे हैं हम ये दिन? आज 14, योम आजादी तो 14 अगस्त को है ना, तो आज क्यों मना रहे हैं? आज 14 अगस्त है क्या? तो फिर आज क्यों मना रहे हैं? बताओ बताओ बताओ, आप बताओ फातिमा, कौन सी रमजान है आज? अब वो कर सब बताएं भाई। पाकिस्तान आजाद हो गया, कब हुआ था? 27 रमजान के दिन, जब 14 अगस्त थी उस दिन 27 आजाद हुआ था। कब हुआ था? कौन सी रमजान को? 27 या 20? 27। हाँ, ये एंट्री मार दी जी। क्या हुआ, ये मुझे पेन क्यों देके चला गया भाई? अच्छा, फिर से आगे, फिर से
थैंक यू मैं आपसे ये पूछना ये चाहता हूं, मेरी बात ये क्या हो रहा है ये? आई वाज हां तीसरा पैंट कोई मेरी बात ही नहीं सुन रहा। अच्छा भाई, सो भाई ये देखिए क्या इन्होंने नेवी का ड्रेस पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, झूला ना लग जाए कहीं मुझे। कैसे हैं आप? ठीक हूं। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह, वेरी नाइस। क्या नाम है आपका? रोहन। और आपका? इनाया। तो आप लोग भाई बहन है क्या? ओके, तो रोहन क्या क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे? कोई स्पीच भी तैयार किया आप मुझे कह रहे थे, छोटी सी स्पीच सुन ले रोहन की। नहीं, रोहन की। रोहन आए सुनाए सुनाए। बड़ी सी है। बड़ी सी? कितनी बड़ी? थोड़ी सी। ओ ऐसा करेंगे हम, थोड़ी सी सुन लेंगे ताकि सबसे बात हो जाए, फिर आप थोड़ी सी तो सुना दें हमें। बड़ी सी है भाई। सुनाए भैया। क्या सुनाए भैया सुनाई नहीं रहे? मैं ऑप्शन में पकड़ता हूँ भाई। हाँ, या मुझे दे दो। हाँ एक सेकंड। ओके डॉक्टर साहब, पकड़ेंगे आप जरा प्लीज। जी, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है पढ़ने को, फिर वो कुरान देता है। बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, बख्शने पे आए जब उम्मत के गुनाहों को, तो फिर मैं गुनागारों को रमजान देता है। वाह 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 वाह। पाकिस्तान 27वें रमजान मुबारक जुम्मतुल विदा 14 अगस्त को अमल में आया। जहूरे पाकिस्तान का ये अजीम दिन जुम्मतुल विदा और सब्बे कदर जो हजार महीनों से बेहतर है, सिर्फ इत्तफाक नहीं है बल्कि खालिकुल मालिक की इस अजीम खिदमत का हिस्सा है, जिससे कुरान पाकिस्तान कुरान और रमजान के ताल्लुक का पता चलता है। हदीस में आता है कि रमजान शहरुल्लाह है, यानी अल्लाह का महीना है। ओके। तेरे आने से दिल खुश हुआ था, और शौके इबादत बढ़ा था, अब दिल पे है गम का गलबा। अलवदा अलवदा माहे रमजान अलवदा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। वाह 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 वाह। भैया ने कैसी तकरीर की? अच्छी है ना? वेरी नाइस भाई, जबरदस्त। क्या बात है, रमजान का महीना खत्म होने वाला है, आज 27 रमजान हो गई है। इसका मतलब रमजान में या तो 2 दिन रह गए हैं या 3 दिन रह गए हैं, फिर रमजान तो होने वाला है। डॉक्टर साहब ये ड्रेसिंग व्रेसिंग का क्या चक्कर है, अच्छे लग रहे हैं भैया? जरा आप भी जरा यहाँ बैठे, तशरीफ रखें, आइए आइए मेरे पास। बड़े अच्छे लग रहे हैं आप भी। नहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं, यहाँ बैठ जाओ अब, ठीक है? हाँ, तो बड़े अच्छे लग रहे हैं भैया आप। थैंक यू। माशाल्लाह, टोपी बड़ी अच्छी लगाई हुई है। थैंक यू। टोपी मैं लगा के चेक करूँ? भाई आप ट्राई कर, मेरी टोपी कराएंगे? नहीं ये तो कर। आप क्यों वो कर रहे हैं? इनको मैं टोपी बना देता हूँ जरा ना। नहीं बल्कि आप ही पहनो, मेरा ख्याल है ये है। अरे मैं, अच्छा पहन लो अच्छी लग रही है। वाह 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 वाह, आप पे लग रही है ना अच्छी, हम पे नहीं लग रही अच्छी, जबरदस्त। क्या बात है, बेहतरीन। हाँ जी, क्या ना सुनाओ सुनाओ। आज तो नेशनल सॉन्ग का तो दिन है, सुना दो। पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान। आता सबको तो जोर से पढ़े ना, कुर्बान है हो इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान है, इसकी बुनियादों में है तेरा लहू मेरा लहू, इससे मेरी आबरू, इससे है तेरी आबरू, इससे तेरा नाम है, इससे मेरी पहचान है, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। सब मिलके पढ़ेंगे, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान,
इस पे जान भी कुर्बान हो, इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। आपको पता है कि इसी में एक शेर है, उसमें आप लोग सारे अलग अलग प्रोविंसेस के बनकर आए हो ना, उसमें सबका तस्करा है। वैसे बताएं पाकिस्तान के कितने प्रोविंसेस हैं, जोर से बताएं मुझे। फोर। फोर कौन कौन से हैं? नंबर वन सिंध, सारे बता दें। पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। वेरी गुड, बिल्कुल सही है जवाब। ओके, इसी ये तो तेरा पाकिस्तान है ना, इसी में ये शेर है। एक दयारे नूरों निघत वादिये मेहरान है, नूर आंखों का मेरी खाके बलूचिस्तान है, दिल है सरहद की जमी पंजाब जिस्मो जान है। यानी चारों के चारों सुबह सब एक ही है ना, ये तो खाली हमारा इंट्रोडक्शन है कि कोई सिंधी है, कोई बलोची है, कोई पठान है, कोई माजर है, लेकिन वैसे तो हम सब एक है ना, हम सब ना सिंधी हैं ना बलोची हैं, अपनी अपनी पहचान सबकी है, लेकिन जब पाकिस्तान की बात आए तो हम ना सिंधी हैं ना बलोची हैं ना पंजाब है ना पठान है, बल्कि हम सब कौन है, हम सब है पाकिस्तानी। कौन है हम सब? ये इसीलिए हम कहते हैं इस पे दिल कुर्बान, इस पे जान भी कुर्बान। क्या बात है भाई, तालियां बजाते सब भाई, वाह। मैं आपके लिए मैंने निकलवाया है उमर साहब, जब हम ब्रेक पे जाएंगे ना फिर मैं आपको वो दिखाऊंगा, जुनेद अंकल ने, हम गए जीतो पाकिस्तान, और मैं और जुनेद अंकल, जुनेद जमशेद अंकल, उन्होंने जो दिल दिल पाकिस्तान पढ़ा था ना वहाँ पे, ओ हो हो, मज़ा ही आ गया। तो हम इंशाल्लाह वो भी आपको आखिर में दिखाएंगे। डॉक्टर साहब इधर तो आ जाते ना मेरे पास भाई, ये देखें अभी वो जाते हुए, ताकि ज़रा सब फन करते हुए जाएंगे ना उस पर। भाई हमने डब्ल्यू बी भाई हेमानी ने डॉक्टर अहमद शाह साहब के साथ, पीछे तो देखो, पीछे देखो, पीछे तो अंकल बैठे हुए। अच्छा, नई एक रेंज पाकिस्तान में पहली मर्तबा बच्चों की इस तरह की कोई रेंज है जो कि डब्ल्यू बी भाई हेमानी ने लॉन्च कर दी है डायनो थीम पर, डायनोसॉर थीम पे। तो थोड़ा सा आप बताएं, ये एक तो इसमें मेरा ख्याल है कलरिंग बुक है, अगर ये लेते हैं बच्चे तो उसमें उनको एक कलरिंग बुक मिलेगी। yes. इसमें क्या करना है भाई? कलरिंग करनी है। कलरिंग करना आती है आपको? हाँ, ये कलरिंग तो तुम करना, ये रखो उमर को दो भाई, है ये आप ले रहा। चलो भाई, और क्या क्या है भाई इसमें, इस किट में जो डब्ल्यू बी हेमानी की किट है बच्चों की, जो वसीम भाई इसमें है, पीछे तो देखो डायनो शैम्पू। ऑलराइट, ओके, बच्चों के लिए है खास तौर पे शैम्पू, ओके, ऑलराइट। और क्या है भाई इसमें? ये है पीछे तो देखो डायनो बॉडी वॉश। ऑलराइट, ओके, तो ये बच्चे यूज कर सकते हैं, बच्चों के लिए डिजाइन किया है, ओके। और क्या क्या, बहुत सारी चीजें भाई इसमें तो। और ये है लिप बॉम, ओके, लिप्स पे लगाने के लिए लिप बाम, जबरदस्त, क्या कहने हैं। दो चीजें और नजर आ रही है, वो क्या क्या है भाई? ये है सन प्रोटेक्शन। अच्छा, यानी अगर धूप में निकले तो, ओके ओके, और ये रोल ऑन है, यानी कि खाली ये डायरेक्ट सन, डायरेक्ट मुंह पे लगाना है और कुछ नहीं करना। अरे अरे, वो फिर से आ गया बच्चा, अब रख के चला गया, बात तो सुन लो मेरी। नहीं नहीं भाई, बात नहीं सुन रहा वो। अच्छा, तो ये रोल ऑन सन ब्लॉक है, तो यानी खाली आपको खोलना है और आपको इस तरह चेहरे पे लगाना है, एंड एवरीथिंग इज डन, ओके। और लास्ट क्या चीज है जी अबू बकर साहब, आप क्या कह रहे हैं? और जो ये रोल वाली टेक्नोलॉजी है ना, हाँ, ये पहली दफा डब्ल्यू बी हेमानी ने ऐसा किया है, ऑलराइट, इससे पहले कभी नहीं हुआ ये, ऑलराइट। सो ये सिर्फ डॉक्टर साहब नहीं बल्कि अबू बकर साहब, उमर साहब, सबका मिलके है ये, पीछे तो देखो रेंज पाकिस्तान के सारे बच्चों के लिए। और ये है हैंड क्लींजर, ये हैंड क्लींजर है, ये भी रोल ऑन है, सब वक्त ने बताया। तो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान है कि आपने खाली निकाला और आपने बस ये रोल कर लिया तो आपके अपने हैंड्स आपके ये हो गए साफ, ऐसे करके, वाह वाह वाह। तो फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, और स्मेल करिए, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, इसमें और फ्लेवर्स भी है, इसमें अलग अलग भी है, जबरदस्त, वेरी नाइस। तो ये बच्चे ले सकते हैं डब्ल्यू बी मेहमानी की जानिब से, पीछे तो देखो सारे प्रोडक्ट केमिकल फ्री है, इसका कोई नुकसान भी नहीं है, मतलब नहीं, और फुल हर्बल, जबरदस्त भाई, वाह वाह, तालियां बजा दें इस बात पे। लिप बाम, सन ब्लॉक और हैंड क्लींजर और शैम्पू और बॉडी वॉश, फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान, बच्चों के लिए, डॉक्टर साहब के नाम पे, और वो नाम क्या है? पीछे तो देखो, पीछे तो, नाम है वसीम भाई, नाम है। अच्छा, नाम, नाम ले रहे, नाम ले रहे, ओके ओके, बहुत सारी तालियां बजा दे डॉक्टर साहब के लिए भाई, वाह 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 वाह, हाँ, नो प्रॉब्लम, ओके। अस्सलाम वालेकुम, आज तो सारे बच्चे थे तैयार होकर आए भाई, कैसी हैं आप? ठीक, ये कौन सा ड्रेस पहना हुआ इतना अच्छा भाई, सबने अलग अलग पूरे पाकिस्तान के ड्रेस में, जी जी, जो मैंने पहना है इन्होंने भी वही पहना है। अच्छा, फीमेल वर्जन, ओके, मेल एंड फीमेल वर्जन, वेरी नाइस। हाँ भाई, ये आप, आपका इनका नाम बताइए, क्या मुस्कान, मुस्कान नाम है ना, क्या नाम है आपका? फातिमा। मैं आपका नाम आप बोलते हो जानबूझ के गलत देता हूँ, ये तो जानबूझ के गलत नहीं लेंगे ना, तो इन्होंने क्यों आपका नाम गलत लिया?
क्योंकि इन्होंने तो इतने दिन से मैं घर पे आई नहीं, तो फिर मैं नाम कैसे ले। तो घर पे तो मैं भी नहीं आया आपके कभी। मैं आया हूँ कभी आपके घर पे? तो फिर कैसे पता चलेगा? वाह वाह, लेकिन बात बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आप क्या करती हैं, पढ़ रही हैं? ओके, जबरदस्त। सबके हाथों में आज पाकिस्तान के झंडे हैं। कौमी चलाना मैं है तो मुझे बता दीजिएगा। और भाई अस्सलाम वालेकुम इशाबा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं टिकवा वसीम दामी। पूरा नाम लेने की जरूरत नहीं काफी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? डर गया बेचारा, चमक से क्या हो गया? खैरियत से आप ठीक है? भाई मैं आप सब लोगों को दिखा रहा हूँ, देखिए, क्योंकि फिर हम जब ब्रेक में जाएंगे ना, वो हम जाएंगे कौमी तराने से। तो जरा एक दफा आपको मैं जरा जुनेद भाई तो दिखा दूं, जरा देखिए अपनी स्क्रीन। अबू बकर साहब आइए, आप किसी को भी ले जाइए, डेटॉल से हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो अगर आपके हाथ गंदे हुए तो फिर खाने में भी बड़े जरासीम आ सकते हैं। आखिर में सारे बच्चे फ्लोर पे आ जाए, आए पाकिस्तान का कौमी तराना, यौम आजादी है पाकिस्तान 27। और आपको पता ना पाकिस्तान के कौमी तराने की और कौमी परचम की बहुत अहमियत है, इसको हमें कभी गिरने नहीं देना, परचम को बहुत एहतराम से रखना है। और जब नेशनल एंथम होता है तो हम सब खड़े रहते हैं। सो हम सब यहां पे खड़े होंगे, आप लोग अपने अपने घरों में खड़े होंगे, आइए और आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं, आप भी आ जाइए, कौन है, सारे बच्चे आ जाएं, ठीक है जी। जहां जहां लोग अपने अपने घरों में भी देख रहे हैं, सब अपनी जगह से खड़े हो जाएं प्लीज, मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज है यौम आजादी पाकिस्तान 27 रमजान। खवातीन हजरात, नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान चलाइएगा। ओके, याद है ना हमको? जोर से पढ़ेंगे, मेरा गला खराब है, नहीं और नारे के साथ जाएंगे ब्रेक पे। और वो नारा है मेरा आपका हम सबकी जान, ये सेल्फी लेंगे हम और उसके बाद उस नारे से हम करेंगे आज इख्तिताम। और वो नारा है मेरी आपकी हम सबकी दिलों की जान, और वो नारा है पाकिस्तान।